हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है व्रत चाट। व्रत चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है टिक्की। तो ये देखिए, मैं टिक्की तल रही हूँ। ये जो टिक्की मैं बना रही हूँ वो आलू साबूदाना की टिक्की है। इसकी रेसिपी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि ये रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको टिक्की की रेसिपी की वीडियो देखनी हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने अपनी टिक्कियाँ तल ली है, आप देख सकते हैं मैंने सारी टिक्कियों को तल दी है। अब हम क्या करेंगे, ये दही लिया है मैंने, दही को हम थोड़ा पतला करेंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दे रही हूँ। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, थोड़ा पतला कर दीजिएगा क्योंकि आपको चाट पे डालना है। ये मेरा अभी गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये देख सकते हैं हमारा दही तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं और पतला करना तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ तो इसलिए मैं और इसमें पानी नहीं मिला रही। अब एक सर्विंग प्लेट ले ली है मैंने और अपनी जो टिक्कियां बनाई थी वो रख दूंगी। ये मैंने टिक्कियां रख दी हैं, अब इन टिक्कियों को मैं थोड़ा दबा दूंगी। ये थोड़ी गर्म है तो आप किसी के थ्रू हेल्प के थ्रू कर लीजिए। इनको अच्छे से तो मैं इसको दबा रही हूँ। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी, अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए दही को। मैंने दही डाल दिया है, अब मैं इसमें अपनी हरी चटनी डाल दे रही हूँ। हरी चटनी का मैंने वीडियो बनाई नहीं है, आप कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये थोड़ी फीकी है तो आप थोड़ा देख कर डालें। अब मैं उसमें अपनी इमली की चटनी डाल दे रही हूँ। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अब ये हम डाल देंगे अनार इसमें। साथ ही साथ थोड़ा नमक हम मिला देंगे। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।